हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एक और नया वीडियो लेकर दोस्तों आपके लिए आ गया हूँ। आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पोको की तरफ से भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाले एक और नए गेमिंग पावरफुल 5G स्मार्टफोन के बारे में, और वो स्मार्टफोन है दोस्तों पोको F1 GT 5G, जो दोस्तों आपको जल्दी भारतीय बाजार में देखने को मिलने वाला है। ये फोन दोस्तों 26 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है, लेकिन दोस्तों 26 अप्रैल को कंपनी स्मार्टफोन को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने वाली है। उसके ठीक बाद दोस्तों ये फोन भारतीय बाजार में भी लॉन्च होने वाला है, और लॉन्चिंग से पहले ही दोस्तों इस स्मार्टफोन के लगभग सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स लीक हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले पोको F1 GT 5G स्मार्टफोन से जुड़ी सभी खबरों के बारे में कि कंपनी इसकी प्राइस क्या रख सकती है, कौन से स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के साथ ये फोन आपको देखने को मिलने वाला है। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हे गाइस, मैं हूं जिग्नेश, आप देख रहे हो कैम छोटेक। आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पोको F1 GT 5G स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी और इसके डिजाइन के बारे में। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन फुल्ली ग्लास बिल्ड होने वाला है। इसकी फ्रंट में ग्लास दिया गया है, इसकी बैक में ग्लास दिया गया है, इसकी फ्रेम एल्यूमिनियम की होने वाली है। फ्रंट में दोस्तों आपको विक्टर ग्लास का प्रोटेक्शन मिलने वाला है, तो काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी आपको दोस्तों यहाँ पर मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों बेहतरीन गेमिंग करने के लिए आपको यहाँ पर प्रॉपर ट्रिगर भी मिलने वाले है। तो ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं डिजाइन की। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको काफी बेहतरीन डिजाइन के साथ देखने को मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन में दोस्तों बैक साइड टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपको रेक्टेंगुलर कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जहां पर दोस्तों कंपनी ने 3 कैमरे की हाउसिंग दी हुई है। उसी के बाजू में दोस्तों आपको LED फ्लैश लाइट मिलने वाली है, जबकि नीचे की ओर कंपनी की ब्रांडिंग मिलने वाली है। फ्रंट में दोस्तों आपको सिंगल सेंटर पंच होल डिस्प्ले मिलने वाली है, जो दोस्तों पतले बेजल और पतली चेन के साथ आपको देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की अगर बात की जाए तो काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और एक प्रीमियम डिजाइन के साथ ये फोन आपको देखने को मिलने वाला है। सॉफ्टवेयर की दोस्तों अगर बात करें तो ये फोन Android 12 विद MIUI 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाला है, जो की दोस्तों काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली एंड सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम मानी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग भी जरा से भी दिक्कत नहीं होने वाली। डिस्प्ले की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए 667 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले मिलने वाली है, जो दोस्तों फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल के साथ आपको देखने को मिलने वाली है, जो दोस्तों 10:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको Wide 1 L1 एंड HDR10+ का सर्टिफिकेशन मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट एंड 480Hz का टच स्क्रीन रेट भी मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कंटेंट देखने या फिर गेमिंग करने में थोड़ी सी भी शिकायत नहीं आने वाली। काफी बेहतरीन तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर गेमिंग कर पाओगे और कंटेंट भी देख पाओगे। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर Qualcomm का सबसे शानदार और लेटेस्ट चिप Snapdragon 8 जनरेशन 1 का इस्तेमाल किया हुआ है, जो दोस्तों 4 नैनोमीटर पर बना हुआ पावरफुल 5G चिपसेट है। ये चिपसेट दोस्तों एनर्जी एफिशिएंट है, और हीटिंग के इश्यू दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को भी नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर वाईफाई कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है। आपको दोस्तों डे टू डे की परफॉर्मेंस भी यहाँ पर काफी अच्छी मिलने वाली है। इसके अलावा गेमिंग और ग्राफिक्स को संभालने के लिए कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर Adreno 730 GPU दिया हुआ है, जो दोस्तों आपको काफी मक्खन तरीके से गेमिंग कराने वाला है। आपको दोस्तों गेमिंग को लेकर जरा से भी शिकायत नहीं होने वाली। अगर दोस्तों आप गेमर हो, गेमिंग के लिए स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, तो ये फोन आपके लिए ही है, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने खासकर इस स्मार्टफोन को गेमिंग लेवलों के लिए ही बनाया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको LPDDR5X रैम एंड USB 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट भी मिलने वाला है। तो ओवरऑल दोस्तों चिपसेट की अगर बात की जाए तो काफी तगड़ा चिपसेट कंपनी ने इस स्मार्टफोन में दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपको परफॉर्मेंस रिगार्डिंग थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होने वाली। कैमरा सेटअप की दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको काफी शानदार AAA कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जिसका मेन कैमरा दोस्तों 64MP का होने वाला है, जो कि दोस्तों सोनी के IMX686 सेंसर के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो लेंस भी आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 20MP का एक शानदार कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जो कि दोस्तों सोनी के IMX596 सेंसर के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल दोस्तों कैमरा सेटअप की अगर बात की जाए तो काफी शानदार कैमरा सेटअप आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन को पावर प्रदान करने के लिए कंपनी ने यहाँ पर दोस्तों 4700 मेगाहर्ट्ज की दमदार बैटरी दी है, जो दोस्तों 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी, जो दोस्तों आपके स्मार्टफोन को काफी जल्दी चार्ज करके देने वाली है, और एक अच्छा खासा बैटरी बैकअप भी दोस्तों आपको यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर कंपनी
6000 मेगाहर्ट्ज की दमदार बैटरी दे देती तो बात कुछ और ही थी, क्योंकि दोस्तों ये गेमिंग स्मार्टफोन है तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी बैटरी चाहिए ही थी। लेकिन फिर भी दोस्तों इस बैटरी के साथ भी आपको कुछ ज्यादा शिकायत नहीं होने वाली। यहाँ पर दोस्तों आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यही बात दोस्तों मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है, क्योंकि दोस्तों ये गेमिंग स्मार्टफोन है तो यहाँ पर कंपनी को दोस्तों पर्टिकुलर 3.5 mm का ऑडियो जैक तो देना ही चाहिए था। कलर ऑप्शन की दोस्तों अगर बात की जाए तो ये फोन कंपनी 3 कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च कर सकती है, जिसका पहला दो कलर दोस्तों ब्लैक एंड दूसरा कलर ब्लू होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों पोको का फेवरेट येलो कलर के साथ भी ये फोन आपको देखने को मिलने वाला है। वेरिएंट के दोस्तों अगर बात की जाए तो ये फोन आपको 3 वेरिएंट पे देखने को मिल सकता है, और ये वेरिएंट है दोस्तों 8GB रैम एंड 120GB फोन स्टोरेज, 8GB रैम एंड 256GB फोन स्टोरेज और 12GB रैम एंड 256GB फोन स्टोरेज। अब बात करते हैं प्राइस की, तो दोस्तों कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों ये बात मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप दोस्तों मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये स्मार्टफोन कौन से प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप हमें अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।